हाय, हेलो, हाय। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे आप? ओके, हम भी बहुत ठीक है। सब ठीक है वहां पे राजस्थान में? राजस्थान में सब अच्छा है अभी तक, अच्छा, जो भी जैसा भी है। आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? हाँ, बहुत क्लियर आ रही है। थैंक बताइए। यू। वैसे मैं तो पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ ड्रग मी स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज आई एम अ जिमनास्ट एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है आपसे बात करने के लिए। सो आई एम लाइक मोर देन हैप्पी टू बी हियर। ओके okay, मतलब और आप खुद भी एक स्पोर्ट पर्सन है। हाँ, मैं जिमनास्टिक्स करती हूँ, वाह, तो मैं 10 इयर्स से ग्रेट करती आ रही हूँ जिमनास्टिक्स। एंड आपके बारे में तो ग्रेट बहुत सुना था, देखा भी था आपके स्टंट्स और वो सब। तो जब भी जी। मुझसे कहा गया कि मुझे लेना है, आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक ओके, सो काफी लोग आ गए हैं, ऑलमोस्ट 48-50 लोग आ गए हैं। जी। एंड बिफोर वी और स्टार्ट, अगर स्टंट राइडिंग कम्युनिटी से भी कोई लोग आए हैं तो सब लोगों को हाय एंड हेलो, और बने रहिए गाइस। थैंक यू फॉर कमिंग। यस, आई बेट इट्स गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग वैसे तो सेशन। सबको थैंक यू जो भी अभी आया है, सबको थैंक यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो वैसे आपकी इंट्रोडक्शन देने के लिए किसी को जरूरत ही नहीं है। एवरीबॉडी नोज यू, इंटरनेशनल स्टंट राइडर, एंड बहुत लोगों ने आपको लाइव देखा भी है परफॉर्मेंस करते हुए। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स में भी मैंने काफी लोगों को बोला कि मैं इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ, एंड दे आर लाइक वाओ यू आर सो लकी, एंड आई एम लाइक आई एम रियली वेरी लकी टू बी हियर। तो आप नो, अपने बारे मतलब में मुझे मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना और प्लेटफॉर्म मिलना, चाहे वो लिटिल हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, मेरे लिए स्टंट राइडिंग से रिलेटेड, बिकॉज आई एम फेमस बिकॉज ऑफ माय आर्ट। अगर मैं मेरी आर्ट से रिलेटेड, करेक्ट। मुझे कुछ भी प्लेटफॉर्म दिया जाता है बताने के लिए, बोलने के लिए, खुद के बारे में नहीं यार, खुद के बारे में मेरे स्कार्स बोलते हैं, पर बात यह है जहां पे बात आती है गेम के बारे में बताने के लिए, तो मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ और मैं शुक्रिया करता हूँ हर ऐसे प्लेटफॉर्म का। दोस्तों थैंक यू ड्रग मी स्पोर्ट्स। करेक्ट, ऑफ कोर्स, बढ़िया। तो स्टार्टिंग में जिन जिनको आप मतलब पता नहीं है आपके बारे में, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब हाउ विल यू स्टार्ट लाइक इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, आपके बारे में थोड़ा कुछ, जी कब से ऐसे कैसे आपकी जैसे जर्नी स्टार्ट हुई और वो सब। ओके मैं शॉर्ट में जर्नी बताता हूँ, क्योंकि देखो जर्नी बताने के लिए तो देखो अपन 24 24 आवर्स, 72 आवर्स लगातार लाइव चलना पड़ेगा, तब जाके अपन पूरा जर्नी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर पाएंगे। बट शॉर्ट एंड स्वीट वे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक वैसा बच्चा पैदा हुआ था अपने घर वालों के अंदर जो बहुत ही ज्यादा एड्रेनलिन पंपिंग था, जिसके ब्लड उछाल मारता था, और एक तरीके से देख सकते हो कि बचपन से ही फ्रॉम द मतलब मेरे बचपन से ही मुझे कुछ एडवेंचरस लेवल पे या कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कुछ स्पोर्ट्स थे जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव करते थे। मैं फैसिनेटेड हुआ करता था बचपन में बहुत ज्यादा, क्योंकि एक चैनल आया करता था AXN, जब हमारे घर पे केबल हाँ, लगा था, पहली बार केबल लगा था, तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पहले डीडी नेशनल वगैरह ये सब आते थे जब मैं करेक्ट। 90s बर्थ हूं, तो मुझे उस जमाने में डीडी नेशनल वगैरह ये सब देखते थे हमारे घर में। तो जब फर्स्ट टाइम केबल लगा तो मैं बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गया था, उस पर AXN स्पोर्ट्स आता था, 10 स्पोर्ट्स बाद में है, AXN स्पोर्ट्स आता था, हाँ, तो एक सेकंड, पहले आता था पहला। AXN स्पोर्ट्स के ऊपर आती थी रेडबुल, रेडबुल एक्स गेम्स, एंड ही इज द नेक्स्ट लेवल, वो एलियन स्पोर्ट है, मतलब वो यूएफओस का स्पोर्ट है, वो है वाओ, फ्री हाँ, स्टाइल, फ्री स्टाइल मोटोक्रॉस, फ्री स्टाइल मोटोक्रॉस, मतलब एकदम ओके, पूरा फ्लिप, एयर में जाके दे कैन फ्लिप, दे कैन डबल बैक फ्लिप, दे कैन फ्रंट फ्लिप, दे कैन विप्स ऑल्सो, एंड वाओ, फिर लैंड करना होता, तो उनका कॉम्पिटिशन आता था, उनका शो नहीं आता था, ओके, उनका कॉम्पिटिशन आता था। एंड ओके, उस जमाने में, उस वक्त में, मतलब वो जमाना ज्यादा, मैं बूढ़ा तो नहीं हूँ, बट वो जो मेरा वक्त था, वो जो मेरा बचपन था, उस बचपन में वो जो कॉम्पिटिशन लेवल की कॉम्पिटिटिव राइडिंग देख के, और उस कॉम्पिटिटिव राइडिंग के अंदर वो जो नेक्स्ट लेवल UFO वर्क कर रहे थे वो लोग, जो मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब मेरी आंखों का चौंधिया जाना, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, वो सब चीजें मैं उस पे देख रहा था, और मैं धीरे धीरे बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गया। तो मैं वैसे बढ़ा, वैसे बढ़ता हुआ मैं आगे मतलब अपनी जिंदगी में बढ़ा, और मुझे बचपन से ही आई लव टू बी हैंग आउट इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, और मुझे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट बहुत पसंद है। और लाइक माई फादर, तो मैं अपने फादर की सिर्फ इतनी सी तारीफ करूंगा, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बचपन में तो इंट्रोड्यूस कर दिया था एक्सट्रीम हाँ, स्पोर्ट्स के, मतलब मुझे अट्रैक्ट भी कर दिया, मुझे फैसिनेटेड भी कर दिया, कर दिया। मुझे मैं अगर मैं पागल हो रहा हूं तो मुझे पागल होने का तरीका भी बता दिया कि डोंट बी सो मच हाइपर, अपने आप को, अपनी एनर्जी को एक्चुअल वे में जाओ, देखो ऐसी चीजें हैं, ऐसे स्पोर्ट्स हैं। और मैं उनके साथ अपनी स्टार्टिंग जर्नी का बहुत सा पार्ट मैंने उनके साथ जिया है, जहां पे उन्होंने मुझे सिखाया वाओ, फियरलेस, फियरलेस बनना। बट करेक्ट करेक्ट, फिर ऐसे 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 हम लोग का लाइफ चलता गया, और आफ्टर द एज ऑफ, जब मैं फियरलेस बन गया कंप्लीटली, तो जब मैं प्रोफेशनल लेवल के लिए मेहनत कर रहा था, जब मैं एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर बनने के लिए मेहनत कर रहा था,
तो उस दौरान क्या होता है कि वही फादर खड़े हो जाते हैं अगेंस्ट मेरे इस प्रोफेशनलिज्म के. एंड आफ्टर मैं शायद 15 या 17 ईयर्स ओल्ड था, तो उसी टाइम मेरे फादर कहते हैं हर एक परिवार की तरह, हर एक मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप की तरह, कि बेटा इन सब में कुछ नहीं रखे, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, नौकरी वगैरह पे फोकस करो, और ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं बनी है. बट मैं इतना ब्लेस्ड था, और शुरू से शायद मुझे मेरे माँ बाप, सॉरी मेरी मेरे फादर की वो जो वो थी ना गार्डनिंग मुझको जो गार्डनिंग की उन्होंने, और साथ में मेरे जो दादा दादी के जो संस्कार थे, क्योंकि मैं मेरे दादा दादी का बड़ा वो लवर हूँ और वो मेरे लवर है, मैं उनके लवर हूँ, तो मेरे जो दादा दादी का जो मुझे वो संस्कार मिले ना, तो मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि अगर कुछ करना है ना तो निरंतर करना है, रोजाना अभ्यास करना है, मेडिटेट करना है, और इसे ऐसे लेना है जैसे कि भगवान की पूजा, एक भक्त जैसे रोजाना नहीं छोड़ता ना, तो काइंड ऑफ मुझे मेरे रियाज को ऐसे लेना है. तो मैं उस उम्र में समझ चुका था, बट उसी उम्र में मेरे फादर ने एक बात रख दी थी कि बेटा ये सब चीजें नहीं होती है. एंड टिल देन एंटिल नाउ स्टिल थोड़ा अगेंस्ट है, बातचीत चलती है, बट आई एम अ प्रोफेशनल स्पीड बाइक फ्री स्टाइल. मैंने कुछ भी चाहे, जो उन्होंने मुझे बचपन में गार्डनिंग की, मेरे दादाजी ने जो दादा दादी ने संस्कार दिए, मैं उसी पे निर्भर हूँ. बस उनका तरीका देखने का चेंज हो गया, डाला एडिक्टेड उन्होंने देखा बनाया, एडिक्टेड उन्होंने ही था, बट आफ्टर 15 ईयर ऑफ एज में आके ही एक्सपेक्ट की अब हमने एक शेर बना दिया, एक शेर 15 साल का बच्चा बन चुका है, अब इस शेर को कहते हैं आपको घास खाने लग जा, नॉनवेज हो घास पे फोकस कर, तो इट्स नॉट पॉसिबल मैन. मेरे मुंह पे ब्लड लग चुका था, अब मैं अपने उस एग्रेसिव रस्ते पे और उस एक्सट्रीम लेवल पे रस्ते पे निकल चुका था कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ तपस्या लिखी थी, और टिल नाउ इस गेम में आज भी यार तपस्या ही है, मतलब मैं अपनी जिंदगी एज ए तपस्या जी रहा हूँ, और ये थी मेरी शॉर्ट में कहानी. गूज़बम्स आ गए सुन के, मतलब इतना, मतलब जो एथलीट होता है अपने स्पोर्ट्स के लिए जितना प्यार होता है एथलीट का, मतलब वो सब आ गया उसमें. और मतलब यहाँ पे इंडिया में भी आपको, मतलब हमारे पेरेंट्स की उनकी जनरेशन जो है वो काफी समय से ऐसे भी है ना कि नहीं पढ़ना भी है, पढ़ना भी है, स्पोर्ट्स नहीं, स्पोर्ट्स नहीं. इस चीज में पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं होती है. क्या होता है समटाइम्स है ना, आस पड़ोस का, समटाइम्स पारिवारिक रिश्तों का, समटाइम्स रिलेशंस का, या समटाइम्स ईगो का मैटर उनके अंदर कहीं ना कहीं आ जाता है माँ बाप का. क्योंकि यार देखो मेरे फादर का मैं कहीं पे तारीफ कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में तारीफ करी, आज मैंने बुराई भी नहीं करी, बट मैंने बस इतना बताया कि ही अगेंस्ट ऑफ माय प्रोफेशन एंड आई अगेंस्ट ऑफ देयर माइंड साइकोलॉजी. क्योंकि उनको ये समझ में नहीं है कि एक बच्चा जब पैदा होता है, जैसे एक जानवर का बच्चा भी होता है ना, आप उसको जो चीजें दोगे ना वो अडेप्ट कर लेगा, आप उसे जो चीजें बताओगे. अब जैसे बचपन में ही मतलब उन्होंने मुझे नरिश कैसे किया, मतलब मैं बड़ा बच्चा बन रहा हूँ, जब एक मैं एक जवान बच्चा, यंग बच्चा बन रहा हूँ, तो उस पूरी मेरी प्रैप क्लास से लेकर मुझे प्रैप क्लास के अंदर स्केट्स लाके देना, स्केटिंग क्लासेस भेजना, फिर मैं थर्ड क्लास में मुझे जूडो कराटे में डाल देना, फिर आफ्टर जूडो कराटे मुझे रॉक क्लाइंबिंग पे खुद लेके जाना नारगढ़, अपने ये गढ़गणेश, जयपुर में गढ़गणेश मंदिर है, हर वेडनेसडे मुझे रॉक क्लाइंबिंग करवाना, और मुझे पथरीले रास्तों से लेके जाना गढ़गणेश पे, ना कि सीढ़ियों से. तो अगर आप जयपुर हाइट है तो यू नो अबाउट द गढ़गणेश कितना हाइट पे, तो मुझे उसके पथराव रास्तों से लेके जाना, मतलब शुरू से बचपन से एडवेंचर रखा. कब तक? 14 ईयर्स तक. जैसे ही 15 में आया एंट्री, ब्रदर नाउ यू मूव ऑन एंड फोकस ऑन स्टडीज. एंड मैं कह रहा हूँ कि डैड इधर तो समझ भी नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो आप, क्या हो रहा है. सारे सारे पेरेंट्स से बस इतनी सी दरख्वास्त करता हूँ, या तो अपने बच्चों को बचपन से एक ही चीज के बारे में बोलो, और अगर वो एक चीज में महारत बन जाए ना तो उस चीज की फीलिंग्स को समझो, और अगर नहीं समझ में आती है तो डिस्ट्रैक्ट मत करो. छोड़ भी देता या मैं शायद उनकी बात मान भी लेता, बट मुझे उस एज में, मतलब 15 साल की उम्र में उनके संस्कारों की वजह से, दादा दादी के, मुझे ये समझ में आ चुका था, और एक एक्सपीरियंस ऑफ मेरी जर्नी की ये समझ में आ चुका था कि यार ये जो तू कर रहा है ना, इसमें कहीं भी इनकी बेइज्जती नहीं हो रही है. तो वहां पे इतनी सारी बाइक्स है, तो सब लोग आके कर रहे हैं, बट देर इज नोबडी आज तक इस करियर में मेरे घर पे किसी ने कोई शिकायत लेके आया हो या कुछ ऐसा किया हो. तो 15 साल की उम्र में ये चीज पता लग चुकी थी कि टोनी देख तू कहीं इनकी बेइज्जती तो कर नहीं रहे, तो चल अब अपने रस्ते पे, जिस पे तू चल रहा है तू चल उस पे, क्योंकि बेइज्जती नहीं हो रही है कहीं भी किसी के, तेरे पेरेंट्स को आगे कोई भी धमका नहीं रहा है, गंदा नहीं बोल रहा है, या कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा. नाउ तो ये टाइम है कि एवरीबॉडी रिस्पेक्ट मोर एंड मोर, तो जानते भी नहीं है, ओ स्टंट राइडिंग का परिवार का मैटर है. काफी कूल.
तो आपने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी लाइक प्रॉपर प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन के लिए वगैरह, तो वो जयपुर में की थी स्टार्टिंग प्रैक्टिस हाँ, के वो वगैरह स्टार्ट स्टेडियम? हाँ यार वो स्टार्टिंग मैंने जयपुर में करी, राजस्थान में करी, और आई एम द फर्स्ट राइडर जो राजस्थान में ये कल्चर को लेके आया। वाह। और फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब जब कंपटीशन पे आप जाते हो एंड यू सी अदर राइडर्स एंड एवरीथिंग, सो व्हाट इज योर फर्स्ट, मतलब आपके दिमाग में फर्स्ट क्या आता है कंपटीशन देखकर? यार देखो मैं अगर जैसे इंडिया के परसेप्शन से बोलूं तो इंडिया के परसेप्शन पे तो मैं अभी तक सिर्फ इंडिया लेवल पे ही कॉम्पिटिशन पे गया हूँ। जो इंटरनेशनल राइडर का आपने मेरे पोस्टर में जो आपने टैग दिया ना वो सही है, बट उसको मैं तरीके से डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या है। वो डिस्क्रिप्शन ये है कि आई एम द फर्स्ट राइडर फ्रॉम इंडिया हु प्रेजेंट इंडियन स्टंट राइडिंग ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु रिप्रेजेंट ऑन इंडियन मोटरबाइक्स ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म स्टंट राइडिंग। प्लेटफॉर्म्स, ओके, हाँ, वाओ, तो मैं एक पहला राइडर था जिसे इंटरनेशनली मौका पहली बार मिला था भारत के मिला अंदर, और जो अपनी आर्ट को इंडियन मतलब इंडिया में सीखी हुई आर्ट को, ये आर्ट है फॉरेन से, ये स्पोर्ट है करेक्ट फॉरेन का, बट एक करेक्ट इंडिया का लड़का फॉरेन में जाके वर्ल्ड चैंपियन क्रिस पाइफर सर के साथ में मैंने परफॉर्म किया 4 डेज, मैंने और मेरी टीम ने। तो ये जो मौका मिला, ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, ये मैं पहला था। और उसके बाद आई डू मेनी कंट्रीज टूर, फॉरेन टूर्स, और वो सिलसिला आज तक कायम है। वो मतलब बोलते ना वो दौर बदलते जा रहे हैं, बट वो सिलसिला वो करेक्ट, प्यार वो आज तक डटा हुआ है, डेडिकेटेड है, कमिटेड है स्पोर्ट्स के बहुत लिए। सही है, तो हाँ, बहुत सही बिकॉज है। जब हमने स्टार्ट किया था ना, जब हमने स्टार्ट किया था तो आई एम द डफर पर्सन। मैं स्कूल का बड़ा डफर बच्चा था, बहुत ही डफर, जैसे पनिशमेंट नहीं देते क्लास में घुसते, कुछ टीचर्स नहीं होते कि चेहरा देख के फ्रस्ट्रेट हो जाए, तू तो खड़ा हो जा चल, तू आई एम द वन, तू तो बाहर निकल, आउट, घुसते क्लास में आउट, तो आई एम द वन पर्सन। और बट मेरे को पहले ही समझ में आ चुका था कि यार टोनी तू नहीं बना। 9th क्लास में जब मैं आगे डिपार्ट हुआ, थोड़ा पैसा वैसा खिला के कि 10th हो, 10th में कैसे ना कैसे पहुंचे, तो 10th में आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड आया। मेरे घर वालों के सामने जाके मैंने क्लियरली बोला, क्योंकि देखो आज अपने पेरेंट्स को है ना, देखो सबसे बड़े दोस्त होते हैं ना कहीं, दे आर कहीं ना कहीं बोलते ना अपने समझ के नहीं होते, बट अपने घर करेक्ट वालों से कभी झूठ नहीं बोलने का। किसी बच्चे को करेक्ट अपनी जिंदगी में स्पोर्ट्स में मेहनत करनी है, अच्छे काम में मेहनत करनी है, उसे हमेशा अपने पेरेंट्स को टू बी फ्रेंक सच बोलने का। तो मैंने सच बोलना हमेशा अपनी चाहिए। जिंदगी में आज भी टिल नाउ मैं अपनी फैमिली को हमेशा सच बोल के चलता हूँ। सच में घाटा बहुत है, मतलब आई गेट समटाइम्स कि जो मैंने किया नहीं होता है वो भी मेरे पे आ जाता है कि अरे तूने किया होगा, तू तो बोलता है तू किया है कभी, तो तेरे क्या पे होगा, है, तूने किया होगा। मैं समटाइम्स ऐसी बार भी लेना पड़ता है, बट इसका इजिकल टू ये है कि वो समटाइम्स समटाइम्स रह जाता है, बट आपकी अच्छाई और करेक्ट आपका सच आपके घर वाले कभी ना कभी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। तो बस अपने घर वालों को करेक्ट हमेशा ट्रू बता के चलो जब तक आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, और वैसे गलत करने की जरूरत ही नहीं है, आप कुछ अच्छा करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ये प्रोसेस यही कहता है, लाइफ प्रोसेस यही कहता है। आप आए हो इस दुनिया में, करेक्ट कुछ करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, स्वेट थोड़ा पसीना बहाओ, और हम जैसे कुछ एक्सट्रीम वर्क करो तो थोड़ा खून भी बहाओ, बस। भाई मैं आने वाली थी ये पॉइंट में कि आपका मतलब अभी स्पोर्ट्स ये सब है इतना, मोटरसाइकिल्स एंड ऑल दीज रैश थिंग्स, तो इंजरीज का क्या बोलना चाहते हो आप? इंजरीज मतलब कैसे डील करते हो इंजरीज के साथ? देखिए यार मेरी जो कहानी है मतलब वो मैंने बड़ी शॉर्ट में बताई है, तो इस कहानी का एक छोटा सा एक पार्ट बताता हूँ इंजुरीज के मैटर। इंजुरीज का मैटर ये है कि यार मेरे जो टीचर हैं, आज इंडिया में स्टंट राइडिंग स्कूल्स भी है, आई रन ऑल्सो एंड देर आर मेनी प्रोफेशनल राइडर्स पूरन ऑल्सो जो प्रोफेशनल राइडर्स हैं वो स्कूल्स चला रहे हैं अपने अपने स्टेट्स में बहुत अच्छे लेवल पे, एंड आई ऑल्सो रन वन स्कूल हेयर। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना करियर, तो उस टाइम मेरी जो कहानी थी और वो आज भी वैसे ही है कि मुझे कोई सिखाने वाला नहीं मिला। मेरी कहानी है गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य वाली, कि एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बना के जो मेहनत करी थी और उसको कोई नहीं हरा पाता, उसको मारना इसलिए मारना पड़ा एकलव्य को बिकॉज कि महाभारत की हिस्ट्री चेंज हो जाती। आज जो कहानी हम सुनते हैं ना कर्ण अर्जुन, वो कर्ण अर्जुन नहीं थे, वो एकलव्य होता। तो वो जो एकलव्य था ना, वो एकलव्य, अब ये हमारी तो कहानी पता नहीं क्या है क्या नहीं है और क्या होगी, हमें कुछ नहीं पता, बट यहाँ का एकलव्य अभी तक जिंदा है और अभी तक कोई गुरु दक्षिणा भी नहीं दी है। एंड माय गुरु इज फ्रॉम स्पेन, इज फ्रॉम हिज नेम इज एसी फेरियास, एंटोनी वाओ कार्लोस फेरियास, और जो वाओ हमारे स्पीड बाइकिंग के गॉडफादर हैं, जिनकी वजह से और जिनकी मतलब बोलते ना जिनकी अवेयरनेस से, जिनकी बातों से, मतलब ही इज लाइक माय मदर, ही इज लाइक माय फादर, ही इज लाइक माय फ्रेंड, ही इज लाइक माय एवरीथिंग, एंड ही इज लाइक माय टीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज माय टीचर। बट वो टीचर करेक्ट वैसा, वो टीचर कैसा, एकलव्य और द्रोणाचार्य वाला, कि करेक्ट वो भी बात है, जो भी फीलिंग है वन साइड है, ही नो बट ही डोंट, ही कांट एक्सप्रेस मी, ही नो एवरीथिंग अबाउट मी, ही नो एवरीथिंग। मतलब कभी कभी जब हमारी कभी कभी बात भी हुई लाइफ में, एक या दो बार ऐसा मौका मिला कि हम दोनों की बात हुई है, उसमें भी ही से दैट कि बहुत सारे राइडर्स हैं, देयर आर मेनी ऑफ जो बहुत करेक्ट खतरनाक है, मैं 63 इयर्स ओल्ड हूं और राइट नाउ देयर इज नो फैशन ऑफ मी,
मैंने कहा सर ये बात हो नहीं है, आप नहीं होते तो हम नहीं होते, आप हो इस वजह से हम है, तो इस चीज का जो कनेक्शन है ना वो तो नहीं तोड़ सकते ना। माना कि आप पुराने हो गए, माना नए स्टंट राइडर्स आ गए, उन्होंने यहां तक भी ये बोल दिया यार यू आर इन अ ऑल्सो टैलेंटेड मैन, व्हाई मी ऑलवेज, व्हाई ऑलवेज एज ए फील, मतलब वो चाहते हैं कि तुम मुझे ट्रीट करो एज ए ब्रदर, और मैं कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो ना, अपने 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 हिंदुस्तान के अंदर खून में नहीं लिखा कि अपने गुरु, अपने गुरु मतलब जो एक समझदार इंसान है, जो स्पोर्ट्स जेनिक इंसान है, जो कम्प्लीटली स्पोर्ट में डेडिकेटेड है, वो अपने टीचर को अपना दोस्त बोल ही नहीं सकता, एज ए प्रो बोल ही नहीं सकता। अगर वो सच में एज ए फील के साथ टीचर मानता है बोलता है, तो मेरे में कभी वो आया नहीं, वो चाहते कि वो ऐसा हो, तो हमारा थोड़ा कनेक्टिविटी भी कम रही, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम हिज वीडियोस, आई एम लर्निंग द टॉकिंग स्किल, द वॉकिंग स्किल, द राइटिंग स्किल, और जो भी बातें होती है, जो समझने की हमारी नॉलेज होती है, हमारी राइडिंग की जो नॉलेज है, वो नॉलेज उनसे ही मिली है, बिकॉज ही इज द थिक बुक ऑफ स्टंट राइडिंग नॉलेज ऑल्सो। बहुत सारे स्टंट राइडर्स आए हैं, बहुत सारे गए हैं, बट सुपर बाइक की कैटेगरी, मतलब स्पीड बाइक की कैटेगरी पे पहली बार जिसने स्टार्ट किया वो थे एसी फेरियास। फिर ना स्टंट राइडिंग बहुत सालों से पहले से होती आ रही है, इज नॉट द फर्स्ट, ही इज फर्स्ट इन स्पीड बाइक कैटेगरी, जिसने सुपर बाइक कैटेगरी में 600,000 सीसी कैटेगरी में पहली बार स्टंट राइडिंग स्टार्ट करी थी। ही इज वन ऑफ देम, ही इज द पायनियर ऑफ आवर स्पोर्ट। करेक्ट करेक्ट, दैट्स सो कूल ना, मतलब ऐसे कोई गाइडेंस और जिनके पास इतना एक्सपीरियंस हो। हां, तो इंजरीज का सीन ऐसा रहा कि बहुत ज्यादा हुई, सिखाने वाला कोई नहीं था, आई एम लर्निंग फ्रॉम द वीडियोस। तो इंजरीज का तो सीन ऐसा था कि अपने राजस्थान से हो आप, राजस्थान से हो? नहीं, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, आप मुंबई से, तो राजस्थान की एक स्टोरी है, महाराणा सांगा, आप स्ट्री पे लिखना महाराणा सांगा, ही वन ऑफ द, ही इज वन ऑफ द वॉरियर, महाराणा सांगा इज वन ऑफ द वॉरियर फ्रॉम राजस्थान, जिसके 196 घाव थे, और उसके बाद भी उसने युद्ध भूमि में वो लड़ते हुए ही मरा था। ठीक है, तो 196 से ज्यादा मेरे इस टाइम, राइट? बट वो इतना अच्छा है कि आपके मतलब इतनी इंजरीज होने के बाद भी यू आर नॉट स्टॉपिंग, मतलब कुछ स्टॉप नहीं कर रहा आपको, एक्सक्यूज ही नहीं है। तो लाइफ में देखो, मेरे को अपनी जिंदगी के अंदर, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे 15 इयर्स के अंदर एहसास हो गया था, समझ आ चुकी थी, पता नहीं क्यों, बिकॉज स्टंट राइडिंग ये स्पोर्ट्स शायद खुद चाहता था कि टोनी नाम का बंदा इंडिया में है और वो इस चीज में घुसे, मुझे तो शायद एक वाइब्स या ब्लेसिंग से ऑरा लगता चारों तरफ कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऑरा मेरे साथ रहता है जो खुद चाहता है कि इन्वॉल्वमेंट बना रहे, चलता रहे और बरकरार चले। तो वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से आई नेवर से एनी एक्सक्यूज, यार ये चीज है ना, ये चीज, ये इतनी बड़ी चीज है, ये पूरे 36 स्पीचेस है, ये 36 स्पीचेस है। तो इन 36 स्पीचेस के बाद मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्नओवर आया था, बट वो टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ कितनी देर का था आप सोच भी नहीं सकते। मुश्किल से 5 सेकंड के लिए वो टर्न ओवर आया था कि मैं मतलब मैं आपको वो सीन बता भी नहीं सकता, मतलब नेक्स्ट लेवल थी। मतलब वो सीन ऐसा था कि मैं अभी गूज बम्स खड़े हो गए, वो 5 सेकंड का सीन याद करके, मतलब वो ऐसा था या तो स्टॉप, नहीं, ये क्या कर लिया, अब तो स्टॉप ही नहीं, अब तो इसको बताना है, मतलब खुद को बताना है। काफी मतलब डेंजरस भी हो सकता है ना यहाँ पे, इतनी सारी इंजरीज और वो। एग्जैक्टली, अब यार देखो क्या होता है स्टंट राइडिंग के अंदर है, करो या मरो, इफ यू आर रियली पैशनेट, बिकॉज इन इंडिया ना देयर इज नो अवेयरनेस यार, अभी अभी राइट नाउ भी हम लोग के गेम में हम अवेयरनेस के लिए कैंपेन बनाते रहते हैं, क्योंकि ये दिखता है लोगों को एक्सट्रीम, वी आर द लर्नर्स, वी आर द प्रोफेशनल। आज मुझसे पूछेंगे ना अगर आप कि आपने जिनको सिखाया क्या उनके साथ भी ये सब हुआ, मैं कहूंगा कि एक हेयर लाइन का खरोंच भी नहीं है ना मैंने आने दी, बिकॉज आई कम्प्लीटली अवेयर, आई नो द मूव्स, आई नो द ट्रिक्स, आई नो द कम्प्लीट प्रोटेक्शन लेवल की कहां का प्रोटेक्शन की जरूरत है यार, हमें कुछ भी नहीं पता था, हम सिर्फ वीडियोस देखते थे एंड आई एम द डंब गाय ऑफ स्टूडेंट की लाइफ का सबसे डफर बच्चा मैं था, सबसे डफर बच्चा। तो मेरे लिए उस चीज को कैच करना, समझना, दोस्तों को कलेक्ट करके, भाई यूट्यूब दिखा, चला कैसे चलाते हैं, दिखा मुझको, बता कैसे, एक एसी प्लेयर नाम, तो वो चीज समझने में तो कहां मुझे उसका इनर पता लगता कि इंटरनल ये कैसा है, तब जाके ये बहुत इजी हो जाता है। तो वो इंटरनल पाने के लिए मुझे 17 इयर्स ऑफ स्ट्रगल किया, राइट नाउ आई एम ऑल्सो ऑन स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्पोर्ट का अवेयरनेस इंडिया में बहुत ज्यादा जीरो लेवल पे है,
बहुत ज्यादा जीरो लेवल पे है एंड सोसाइटीज डोंट अटेम्प्ट, सोसाइटीज एंजॉय. अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरी बात को सुन के अच्छा लग रहा होगा, सुन रहे होंगे मोटिवेटेड. इफ यू स्पोर्ट पर्सन यू गेट मोटिवेटेड ऑल्सो. यार एक आदमी ने अपनी आधी जिंदगी नाम दे दी और इसके बाद भी इसके कल्चर का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसके बाद यू गेट मोटिवेटेड. आप इतना तो आप क्लैप कर लोगे मेरे को राइडिंग करता हुआ देख के, आप मोटिवेटेड हो जाओगे. अरे वाह ओवर. बट जब बात आएगी ना स्पोर्ट की एक्सेप्टेंस की, जब बात आती है इसे एक्सेप्ट किया जाए एज ए स्पोर्ट, तो हमारी सोसाइटी दिखती भी नहीं है. मतलब पीछे देखते ना कोई भी नहीं दिखता. देयर इज नोबडी, नोबडी इन सोसाइटी, देयर इज नोबडी इन सोसाइटी, देयर इज नोबडी इन गवर्नमेंट लेवल. और बहुत सारी चीजें जहां हमें फेस करने पड़ती है यार. और आप सोचो ना इस गेम को आए हुए इंडिया में 25 से 30 साल हो गए, बट राइट नाउ ऑल्सो आई एम स्ट्रगल. मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल राइडर हूँ तब भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. ये काफी सच बात है, क्योंकि अभी मैं आती हूँ जिमनास्टिक्स के बैकग्राउंड से, तो मुझे पता है कि जिमनास्टिक्स के लिए भी इतना ये करना पड़ता है कि मतलब इंडिया में कहो क्रिकेट कहो तो क्रिकेट सब जगह है. एग्जैक्टली. बट अपन को ना फोकस उन सब चीजों पे नहीं करना. बट एक्चुअली अगर आप जिमनास्टिक पे जाएंगे, हम क्यों किसी स्पोर्ट के लिए सोचे हैं, क्या कहें, वो तो एक बना रखा है, एक माहौल बना रखा है. वो यहाँ की साइकोलॉजी चेंज कर सकता है, ठीक है ना. वो यहाँ की साइकोलॉजी चेंज कर सकता है कि हाँ हम उस पीढ़ी को फॉलो नहीं करेंगे जो आज तक एक ही चीज को देखती आई है. हमें हटके कुछ करना है और हटके कुछ देखना है. तो वो इंसान पे खुद पे वो अपन तो कुछ बोल के कर नहीं सकते कि हमारा अभी अपन यहाँ भी इन लोगों को नहीं बोल सकते कि हमारे लाइफ को देखो. वो नहीं रुकेंगे, उनकी उनकी मर्जी होगी तो रुकेंगे, नहीं होगी तो नहीं रुकेंगे. तो वैसे ही क्या है, आपके स्पोर्ट का तो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं है ओलंपिक्स में. आज आपकी चीज का प्लेटफॉर्म है. अगर मेरे जैसे इंसान का 10 साल पहले या आने वाले 10 साल का भी मैं वेट कर रहा हूँ, आने वाले 10 साल का भी मैं वेट करता हूँ, अगर ओलंपिक नहीं इंडिया में भी किसी कोने पे रियल लेवल का जो कंपटीशन इंटरनेशनल सीरीज में होता है, अगर हो गया इंडिया में जो मैंने कंपटीशन जीते हारे उनके जज बताऊंगा तो मैं शायद बताने आपको मजा हंसी आ जाएगी, इसलिए कि मैं कुछ बताऊंगा नहीं. इंडिया में जो भी अभी तक इस चीज से रिलेटेड स्टंट राइडिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिशन हुआ है वो जीरो गाइडेंस, जीरो लेवल, जीरो नॉलेज के ऊपर हुआ है. जीरो जीरो एकदम कंप्लीट जीरो. अगर इंडिया में आपकी जैसे खेल का ओलंपिक एक प्लेटफॉर्म है, एक पता है कि हाँ एथलेटिक जैसा स्पोर्ट कहीं ना कहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं वैल्यूएबल और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे लेवल पे खेला जाता है, तो अगर मुझे पता होता स्ट्रीट बाइक फ्री स्टाइल, माई टेक्निकल नेम ऑफ आवर स्पोर्ट इज स्ट्रीट बाइक फ्री स्टाइल. इसे कॉम्पिटिशन में स्टंट राइडिंग नहीं बोलते हैं, स्ट्रीट बाइक फ्री स्टाइल बोलते हैं. स्ट्रीट बाइक फ्री स्टाइल का गए मेरे बिताए हुए 10 साल पहले और आने वाले मेरे 10 साल का इंतजार मैं और कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो आई एम द गोल्ड विनर, आई एम द गोल्ड मेडल विनर, आई एम द गोल्ड मेडल. ये ना कॉन्फिडेंस है, घमंड मत समझना, ये सिर्फ मेरी मेहनत का, ये सिर्फ मेरी मेहनत का कॉन्फिडेंस है. मैं मेरी मेहनत से आने वाले 31 years आई एम ओल्ड, बट आने वाले 10 साल तक भी ऐसी फ्री स्टाइल करके दिखा सकता हूँ. अगर कॉम्पिटिशन रियल लेवल पे आए तो मैं गोल्ड मेडल विनर हर बार इंडिया का नाक है ना नाक उस जगह पे ऐसा रखूं कि इंडिया से नहीं कहीं और बात करो इंडिया से. तो समझ रहे ना कि है ही नहीं. अगर मतलब मैंने आपकी एथलेटिक वे में बोला कि आपको संकोच करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप कंप्लीटली डेडिकेटेड और कमिटेड है ना, ये दो वर्ड्स इतने खतरनाक है, डेडिकेशन और कमिटमेंट. अगर ये डेडिकेटेड और आप साथ में कमिटेड हो, नो बडी कैन टच यू. करेक्ट. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब पागल होना एक स्पोर्ट्स के लिए और उसके पीछे एफर्ट्स लेना. पागल नहीं, अपनी जिंदगी नाम कर देना. एग्जैक्टली. करेक्ट. काफी मतलब बहुत अच्छा बोला आपने ये सब के बारे में, एफर्ट्स के बारे में, आपके जो इतनी सारी की एक्सपीरियंसेस है ये सब. एग्जैक्टली. आई शेयर माय एक्सपीरियंस. और मैं तो सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ अगर कल्चर इंडिया में होता माना जाता तो शायद इस टाइम पे हम इंडिया के वो एथलीट्स होते. मैं ही नहीं, इंडिया में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स हैं. देयर आर मेनी प्रोफेशनल राइडर्स राइट नाउ जो डिपेंडेंट हो चुके हैं हम जैसे सीनियर्स को देख के, या उनकी मर्जी से भी, खुद की मर्जी से, खुद की लाइफ से भी. दे डिपेंडेंट. मैं इकलौता नहीं हूं, बट गाइडेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लैक है, कहीं ना कहीं लैक है. हम तो हम तो कुछ क्रिएट करते हैं या हम कुछ चेंज भी लेके आते हैं, इवोल्यूशन भी लेके आते हैं, तो देर आर समबडी हु सपोर्ट एंड देर आर समबडी हु नॉट सपोर्ट. बट वो कल्चर कैसे होगा, वो कल्चर को समझने के लिए आप जैसे एथलीट्स का या आप जैसे एथलेटिक स्पोर्ट का, ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म लेवल पे, प्लेटफॉर्म का, हमारा छोटा प्लेटफॉर्म का लेवल भी अगर इंडिया में आए ना तो ये हमारा कल्चर एकदम से इंप्रूव हो जाएगा. बिकॉज स्टंट राइडर्स आर द मैच्योर राइडर्स, दे नो लाइफ एंड डेथ के बीच का हमारा जो गेम है ना, ये लाइफ और डेथ के बीच का है. ये लाइफ एंड डेथ है, इसके बीच में एक ब्रिज है, उस पर हम सब कुछ करते हैं और वो ब्रिज कभी भी टूट सकता है. और वैसे अभी तक तो मैं बता रहा हूँ इतने सारे पिलर्स पे खड़ा है ना इंडिया में कि बेचारा हर जगह से टूट चुका है, हर जगह से. पर उस पे इतने पिलर्स लगे हुए हैं ना, इतने पिलर्स. मैं इस चीज के लिए थैंक्स टू एवरी प्रोफेशनल स्टंट राइडर,
जिसने अभी अभी लेटेस्ट में हम लोगों ने कैंप पिजन बनाई है SOS, ये एक सेव आवर स्पोर्ट. सेव आवर स्पोर्ट, हम अपने स्पोर्ट को सेव करने पे आ चुके हैं क्योंकि लोगों ने इतनी बैड इमेजेस बना दी, इतनी बैड इमेजेस. बट व्हेन वी लुकिंग इन फॉरेन कल्चर, वी आर स्टार एथलीट्स बिकॉज हम वो लोग हैं जो एक्शन को, एक्शन आइकन से हम लोग जो एक्शन दिखाते हैं एक्चुअली में. बट जहां बात आती है हमारे एडलिन को शो करने की इंडिया में, तो वहां लोगों में समझ ही नहीं होती. एक्सेप्ट करने की दूसरी बात है, समझ ही नहीं होती. बट जहां बात हो रही होती है एंजॉय करने की, दे क्लैप, ओ दे चीयर, ब्रावो मैन, ब्रावो. बट जहां बात आती है ये स्पोर्ट है, अरे मरवाएगा क्या, अरे टांग तोड़ेगा क्या हमारे बच्चे की, अरे हमारे बच्चे को मारेगा क्या, ये बस ये काफी मतलब ट्रस्ट भी डालना चाहिए लोगों ने कि नहीं यहाँ पे है फ्यूचर है, ट्रस्ट डाल के उसको अडॉप्ट करें. ट्रस्ट कब डालें हमें नहीं पता. द सीनियर वन गाय आपसे बात कर रहा है राइट नाउ और उसे फ्यूचर नहीं पता स्टंट राइडिंग का इंडिया में क्या होने वाला है. मैं आपको एक एक्चुअल बात बता रहा हूँ. देखो यार जो भी है रियलिस्टिक है, यहाँ कोई फेक नहीं है सीन. यहाँ लाइफ में फेक सीन बता के मेरी जिंदगी में मैंने रिश्ते नाते मैंने मेरी जिंदगी में जो गवाया मेरे असली होने की वजह से गवाया, मेरे रियल रहने की वजह से गवाया. और मुझे अगर गवाना पड़ रहा है तो मुझे कोई जान ही रहा क्योंकि मैं जो फेस कर रहा हूँ मैं वही तो बता रहा हूँ. एंड देयर आर मेनी, मैं अकेला ही नहीं हूँ, देयर आर मेनी मैन जो फेस कर रहे हैं. इसके लिए क्या है, बस हमारा बस ये कि कोई रेवोल्यूशन आएगा इस गेम का तो ही शायद ये गेम कुछ हो पाएगा. बट हाँ, जब तक मैं स्टंट राइडिंग नहीं छोड़ूंगा. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई विश आई कुड क्लैप ऐसे करके. नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं. पर सीरियसली, और अभी जो आपके है, आपका जो आपकी एकेडमी है इसमें स्टंट राइडिंग की वगैरह, तो आपके जो अभी यहाँ पे कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ मैं कि यस टोनी भाई यस, तो आप इन सबको मतलब क्या कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं कि मतलब स्टंट राइडिंग के बारे में वगैरह कैसे आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं? यार देखिए मोटिवेट करना, देखो मेरे मैं एक टीम भी रन करता था. राइट नाउ आई एम ऑर्गेनाइजेशन. Right now, my team become an organization who make platform for stunt riders. अभी इंडिया में पहली बार ऐसा मीट का कल्चर और ऐसा स्टंट कॉम्पिटिशन का कल्चर वी प्रेजेंट वी क्रिएट, और हम लोगों ने जयपुर में इस चीज को हैपन किया. और ऐसा ही कोयम्बटूर में तमिलनाडु के अंदर एक लड़का है पद्मा प्रशांत, एक वन ऑफ द प्रोफेशनल राइडर ऑफ इंडियन मोटर स्पोर्ट स्टंट राइडिंग का एक प्रोफेशनल राइडर है पद्मा प्रशांत, उसने भी ऐसा किया. तो वी सी सम good vibes only. not the future but we happy that the professional one meets, they ride full day long. teen din ka festival hua tha mera, to us 3 din ke festival mein we everybody share our passion experience skills. main bas thoda sa zyada busy tha but I enjoy man. mera jo last matlab itna hi kahunga ki I enjoy the vibe kyunki wo family thi yaar, wo family thi matlab jinhe mujhe paida kiya na, मुझे उनसे ज्यादा वहां पे उस टाइम पे रहने पे ज्यादा लगाव आ रहा था. मतलब बहुत प्यार आ रहा था सब लोगों पे कि वाओ मैन ये क्या कल्चर देखने को मिल रहा है. तो ऐसा हैपन हम लोग जरूर कर पाए बट स्टिल माय आईज कांट सी द फ्यूचर बिकॉज पब्लिक नॉइसेंस, पब्लिक का अडेप्टेशन नहीं है, पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक समझने को कहीं पे तो ये आ चुकी हालत की पब्लिक समझना ही नहीं चाहती है. क्यों खराब है, मतलब खराब है नहीं, अरे समझो तो सही. लोग क्या देखते हैं, लोग क्या देखते हैं, मेरा चेहरा, लोग क्या देखते हैं, मेरे घाव. तो लोगों के बैठ जाता है डर. यार मेरे पास कोई टीचर नहीं था, मैंने इतने स्टूडेंट्स को राइडिंग सिखा दी है इंडिया के अंदर, इतने स्टूडेंट्स है, बट मैंने स्टूडेंट्स नहीं, दे आर लाइक माय ब्रोस मैन. कोई स्टूडेंट मैं बोलता नहीं अपनी मर्जी से, मेरा एक स्टूडेंट है अभी राइट नाउ जिसको मैं बोल सकता हूँ मेरा स्टूडेंट है. ही बिकम द नेक्स्ट लेवल. और जनरेशन वो ऐसी है कि जो रिप्रेजेंट करेगी आने वाले 20-25 सालों तक स्टंट राइडिंग को, कि क्या होगी स्टंट राइडिंग आने वाले टाइम पे. बस स्टंट राइडिंग मतलब वी डेवलप एज अ स्किल. हम छोटी सीसी की बाइक्स पे और जो स्ट्रीट लीगल है उन पे, ये स्टंट राइडिंग के लिए नहीं बनी है. वैसे कोई भी मोटरसाइकिल अभी तक कंपनी कोई ऐसी नहीं है जिसने स्टंट राइडिंग के लिए मोटरसाइकिल निकाली है. वी मॉडिफाइड देम एंड वी डू स्टंट राइडिंग. सिर्फ अभी तक हमने स्किल लेवल पे अपने आप को बहुत ताकतवर बनाया. बट जहां बात आती है करियर की, जहां बात आती है प्लेटफॉर्म की, देर इज नो प्लेटफॉर्म, देर इज नो करियर. एंड वी मतलब पब्लिक को हम दिखते हैं नॉसेंस, होलीगन्स, टैबू, ये सब चीजें हमसे शो होती है. हाँ ये चीजें हमसे शो होती है उन लोगों को. अरे एक दिन बिता के देखो पसीना अगर किसी एथलीट ने बहाया ना, तो हम एथलीट्स ने इंडिया के जो हम एथलीट्स हैं स्टंट राइडर्स, हमने स्वेट भी बहाया है, हमने हड्डियां भी तोड़ाई है, राइट, प्रणाम, पसीना भी निकल रहा है और हाथ टूट चुका है,
और हार्ट टूटने के साथ साथ घाव हो चुका है, पसीना भी निकल रहा है और उसमें से खून निकल रहा है, और शायद पैसे नहीं थे जिम में सही कराने के, तो उसमें घाव हो गया, मवाद पड़ गई है। आप देख रहे हैं ये स्टिचेस इतने चौड़े हैं, ये स्टिचेस आपको पता है स्टिचेस बहुत पतले लगते हैं, जैसे मेरे लिगामेंट इंजुरीज हुई भी है तो मेरे नीज में जो स्टिचेस है वो बहुत पतले हैं। ये मुझे जब पता लगा कि व्हेन एवर आई डोंट हैव टाइम एंड व्हेन एवर इसका भी कोई किस्सा है तो ये इतना चौड़ा हो गया, तो क्या हुआ ये पक गए थे और वापस इसका ऑपरेशन हुआ, इसको वापस टाके लगाए, वापस इसको सही किया गया और उसके बाद आई कैन मूव अगेन इन माय स्पोर्ट। एक साल का हार्ड वर्क, एक साल का पागलपन वापस मुझे इसमें लेके आया, बिकॉज आई एम इन कोमा ना फॉर थ्री डेज, मैं कोमा में चला गया था, उसके बाद मैं धीरे धीरे रिहैब किया मैंने अपने आप को, एंड मेरे फादर ने मुझे बोला आने के बाद भी छेड़ दिया थोड़ा सा, योग कर ले शायद तुझे बहुत हेल्प मिलेगी, सो आई मूव ऑन। क्योंकि बाप लोगों को, दादा लोगों को, वो बाप लोग या दादा लोग उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं होती, दे आर इनफ फकिंग एक्सपीरियंस मैन, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और बहुत वास्ट लेवल पे होता है और रियल होता है। करेक्ट करेक्ट ऑफ कोर्स, तो बस आई फॉलो हिम एंड राइट नाउ मैं यही कहूंगा बस स्टंट राइडिंग मैं कर पा रहा हूं, एंजॉय। आपके फील्ड में भी जो भी कोई है उनको सीरियसली हैट्स ऑफ, जिन्होंने भी ज्वाइन किया है स्ट्रीट रेसिंग, मतलब ये स्टंट राइडिंग के हिसाब से, एवरीवन हैट्स ऑफ टू ऑल यू गाइस, इतने आपके जो एफर्ट्स है, एक्सपीरियंसेस है, मतलब ऐसे अभी ये जो है ड्रग मी स्पोर्ट्स करके ये जो प्लेटफॉर्म है, मुझे शगुन धीमन करके है इसका फाउंडर है जो इसका, तो मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ इनके लिए, बिकॉज इनके वजह से हमें पता चल रहा है आप लोग के बारे में, मतलब अगर ये ऐसे नहीं होते तो हमें पता भी नहीं चलता किसी लोगों का कि कौन है ये, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा, जैसे 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 शगुन हुआ, जैसे एवरीबॉडी, बहुत कम ऐसे इंडिया में, अब की जनरेशन अडेप्ट करना चाहती है, समझना चाहती है, तो शगुन इज वन ऑफ देम, यू इज वन ऑफ देम, ऐसे बहुत सारे कुछ लोग आने लगे हैं, बट आप लोगों से हमें वो वाइब नहीं मिल सकती कि हाँ हमारा करियर सॉर्टेड होने वाला है, नो मैम, हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, मुझे अपना ऐसा लाइव एक्सपीरियंस बताते बताते कोई अरसा बीत गया यार मैम, अरसा बीत गया, तो सिर्फ एक्सपीरियंस बता के हम, और हमें पता भी रहता है, हमें पता भी है कि सिर्फ टोनी यू हैव टू से ओनली समथिंग, सम बोलते ना रियल थिंग्स, और उसके बाद क्या फोन करने के बाद क्या, वही लाइफस्टाइल जीनी है, एक बदनामी से भरी, एक बुरी, एक सबसे गंदी, पर हमारे लिए भगवान, हमारे लिए लॉर्ड, हमारे लिए एकदम पीसफुल, हमारे लिए प्योर, हमारे लिए सुप्रीम, हमारे लिए, इसलिए आज तक हम कर रहे हैं और करेंगे, बिकॉज वी रन कर दे ये पूरा जमाना, हम रन कर दे करेक्ट करेक्ट। आई होप कि इसके बाद भी, मतलब हम भी अगर किसी आपको हेल्प कर सकते हैं तो वी विल डेफिनेटली यू नो डेफिनेटली हेल्प यू एंड यू नो सपोर्ट ऑल ऑफ यू, मतलब जो भी है आपके साथ, आपकी जो है एकेडमी है या फिर कोई भी है, आई होप कि मतलब आपका बहुत इतना अच्छा हो कि एटलीस्ट इंडिया में इतना पता है टॉप लेवल की कॉम्पिटिशन वगैरह हो, ये हो, एग्जैक्टली मैम, मतलब एग्जैक्टली आप खुद भी समझ सकते हैं, आप एक एथलीट है, मुझे बताओ 17 साल से कनेक्टेड हुए, देयर इज नो फ्यूचर, ऐसे आप खुलते मुझे पता है गालियां सुननी है, आस पड़ोस बुरा इंसान है, ये गया गाड़ी पे, मतलब अगर आप इसका दूसरा फेस देखेंगे ना, मैं कितना सहता आया हूँ यार मेरी जिंदगी में, बट उसके बाद भी आई एम कनेक्टेड। आप एक बार इस इमेज से बाहर निकल के देखें, आप मेरा लाइव ले रहे हैं, एक बच्चे की एक बात सुन रहे हैं, तो वो मॉलेस्ट होता हुआ है अभी तक, वो मॉलेस्ट होता हुआ है, वो सिर्फ अपने काम जो कर रहा है इतने दिल से, लगन से, पागलपन से, तो वो क्या दिख रहा है, वो सुबह उठता है वैसे जैसे सारे एथलीट्स उठते हैं, वो अपना टाइम देता है, वर्कआउट करता है, वो वर्कआउट करके फिर अपनी प्रैक्टिस पे जाता है, बट उन सबके चारों तरफ वो कितना मॉलेस्ट होता है, पुलिस वाले गंदी गंदी गालियां गलौज करते हैं, मतलब इतना गंदा बोल देते हैं, इतना गंदा बोल देते किसी एथलीट को बोल के दिखाए पुलिस वाले, अगर अभी राइट ना कोई पुलिस वाला देख रहा है ना, तो किसी गोल्ड मेडलिस्ट को देख बोल के बताना, तभी गाली बोल के बताना, तुम्हारी वर्दी ना उतरवा दी, या कोई पद्मश्री या अर्जुन अवार्ड को गाली बक के बताना, क्योंकि पद्मश्री अवार्डेड और अर्जुन अवार्डेड स्पोर्ट पर्सन भी बनते हैं राइट नाउ, मोटर स्पोर्ट्स से गौरव गिल बने बिकॉज ऑफ किरण रिजू सर, थैंक्स टू किरण रिजू सर कि उन्होंने इतना अच्छा एक नेक्स्ट लेवल एक प्लेटफॉर्म बनाया, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया कि From 2020, मोटर स्पोर्ट्स इज ऑल्सो कम्पीटेड इन वो गवर्नमेंट का जॉब्स, जिनको जिन एथलीट्स की जोन को जाता था, तो मोटर स्पोर्ट्स को भी उसका पार्ट बना लिया गया है, अब मोटर स्पोर्ट्स की भी एथलीट को गवर्नमेंट की जॉब आने वाले फ्यूचर के अंदर मिल पाएगी, बट मोटर स्पोर्ट्स में हमारा जो स्पोर्ट आता है, दे कांट, इंडियन मोटर स्पोर्ट्स कांट अडेप्ट एंड कांट
understand what is it. Understand. Because foreign ke andar, foreign ke andar, there are many competitions going on, there is a culture, there is, ye ek sport ki tarah dekha jata hai. Kyunki ye koi tez bhagane wala kaam nahi hai. Ye bahut hi complete ek छोटे से दायरे में, मतलब अगर मैं चाहूँ ना तो मैं इस कमरे में, मैं जितने इस कमरे में बैठा हूँ ना, इस कमरे के सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करके आपके मोबाइल को एक ऊपर हाइट पे लगा के मैं यहाँ पे राइडिंग कर सकता हूँ. द प्रोफेशनल वन हैव इनफ बैलेंस टू कंट्रोल दीज थिंग्स. जो प्रोफेशनल राइडर्स है इंडिया के, वो इतने ज्यादा इनफ टैलेंटेड और इनफ डेडिकेटेड है. बट मुझे जब मैं ऐसे देखता हूँ उनके बड़े भाई की तरह या उनका भाई बन के देखता हूँ, और या एज ए पर्सन देखता हूँ कि मैं स्टंट राइडर नहीं हूँ, तो मैं पता क्या देखता हूँ यार, बेचारे यार कोई नहीं है, बट डेडिकेशन. जहां बात आती है ना डेडिकेशन, तो गर्दन नीचे हो जाती है, बट दिल दिल एक तरीके से दुखता है कि यार कोई फ्यूचर नहीं है. क्योंकि आप समझ रहे हो ना, आप सोचो एक एक एथलीट जो 17 साल से पूरा सुनता आया है, बहुत गलत बातें सुनता आया है, वो फिर भी डेडिकेटेड है ऐसे कि जैसे एक भक्त अपने मंदिर में अपने भगवान के लिए रोजाना पूजा करने के लिए रेडी होता है. तो काइंड ऑफ दैट सीन आई डिजर्व, क्या मिल सकता था अगर शायद मैं फॉरेन में होता. And what I get, अभी भी right now भी what I get, मतलब हमें क्या देखने को मिलता है एक सच्चे, एक real, एक professional stunt rider को. मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे stunt riders हैं यार इंडिया में जो professionally इस game को लेते हैं, और मुझे पता है everyday face what they face. क्योंकि हम बड़े भी हो चुके हैं, हमारे parents को समझ में नहीं आ रहा कि किधर से cooperate करें तुम लोग को, कब तक खर्चे का scene उठाना पड़ेगा, कब तक तुम लोग को cooperate करना पड़ेगा. At the real basis कभी ना कभी तो उनको हमारी हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग इनफ इतना शोज करके इतना सब कुछ करके भी हम अपने आप को इनफ नहीं दे पाते. बिकॉज यहाँ पे जो कल्चर मैंने ऐसे नहीं बताया आपको, बहुत ज्यादा गलत है. हर वे में हमारे स्पोर्ट के अंदर, हर वे में गलत है. इनकम पे ले लो, शोज पे ले लो, फैसिनेटेड वे में ले लो, सीखने के वे में ले लो, हर चीज के वे में गाइडेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अवेयरनेस सब जीरो पे, सब कुछ जीरो पे. बस कुछ कुछ है तो वो कुछ ने मिलके अब जाके इतने सालों में अब जाके थोड़ा ईगो कम करके वो सब लोग साथ हुए फॉर द SOS कैंपेन. और SOS हम शायद इससे कुछ बदलाव ला पाए, बिकॉज इससे पहले वी रन और अभी भी स्टिल नाउ वी रन, लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस, वी कैंपेन, लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस एंड नाउ वी रन SOS, सेव आवर स्पोर्ट. अभी फेमस भी नहीं हुई है, उससे पहले बचाने के हालात आ गए. देखो सही, एग्जैक्टली ये हालात है, ये हालात है, रियलिटी में ये हालात है कि मैं बता भी नहीं सकता, बट आई शेयर. नो बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू एंड द होल टीम, आपको सबको सबके मतलब गुड लक की, यू नो. नो, वी आर नॉट टीम, वी आर नॉट टीम, वी आर फैमिली, फैमिली, वी आर फैमिली. एग्जैक्टली, गुड लक टू द होल द फैमिली. मतलब आपको भी इतना यू नो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर यू नो व्हाटएवर इज देयर फॉर योर लाइफ, मतलब जो भी आपको करना है. और आई होप, आई रियली होप कि आपका बता मतलब एटलीस्ट एक्नॉलेज करे लोग कि स्टंट राइडिंग जो है ये सब गेम. एग्जैक्टली यार, मतलब अभी मेरे इस लाइफ से मैं या मेरे कुछ प्रोफेशनल भाई लोग या फैमिली पर्सन, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ओए टोनी, ओए पद्मा, ओए सचिन, ओ अनिकेत, देयर आर मेनी ऑफ देम प्रोफेशनल. अभी किसी का नाम नहीं लूं तो मुझे माफ करना भाई लोगों, थोड़ा बताना भी है तो थोड़ा फास्ट बताना पड़ रहा है. तो अगर वन ऑफ देम, अगर कुछ ऐसे राइडर्स भी हैं जैसे राजस्थान स्टेट से ही है फैजान वगैरह एंड मैनी ऑफ गौरव एंड मैनी ऑफ देम, राजस्थान स्टेट में भी प्रोफेशनल राइडर्स हैं जो बच्चे आज तक इतना करके आगे बढ़े. बट बात जहां आ जाती है ना कि हमें खुद को इंडिविजुअली, अगर हमसे जाके सब तुम्हें फेमस होना है, तुम्हें नाम करना है, तुम्हें कोई काम करना है, तुम्हें कोई नहीं, मतलब हम उस जोन पे आ चुके हैं, हम उस मैच्योरिटी लेवल पे हैं यार, स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना हमें नहीं चाहिए. क्योंकि आप एक एथलीट है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन, मैं आप मुझे पता है आप मेरे से क्वेश्चन करना है, बट एज एथलीट, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप एथलीट हो, मुझे पता नहीं था राइट नाउ आपने बताया. तो एज एथलीट, एज एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एथलीट होते हैं, तो एज एथलीट आप भी एक एथलीट हो, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, खेल पहले होता है कि खिलाड़ी पहले होता है? खेल, ऑफ कोर्स खेल, मतलब इतना दैट व्हाई वी स्टार्टेड इन पास्ट वन कैंपेन आल्सो, खेल की इज्जत तो खिलाड़ी की इज्जत. एग्जैक्टली, यू कैन सर्च आल्सो बट आफ्टर, आप देखिए ना 2021 में जाके ये सारे इंडिया के राइडर्स को अब समझ में आया जाके कि वी यूनाइट फॉर आवर स्पोर्ट. अब तक क्या हो रहा था, 70,000 फॉलोवर्स, 1 मिलियन फॉलोवर्स. अरे मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी इतने फैसिनेटेड अबाउट फॉलोवर्स है, ये नॉट रियलिस्टिक. मैयत पे एक भी नहीं दिखेगा, एक भी फॉलोवर नहीं दिखेगा. तो रियल पर्सन होते वो आपके आस पड़ोस में होते, आस पास होते. ये फॉलोवर्स पे कोई कंधे देने वाला एक फॉलोवर भी आ जाए तो मुझे बता देना. और वर्ल्ड चैंपियन, इफ यू गो टू सी वर्ल्ड चैंपियन ऑफ एनी स्पोर्ट, कोई मिलियन वाले नहीं होते भाई लोग, उनको मतलब नहीं होता, वो तपस्या में लीन होते हैं, उनके लोग ही संभालते हैं, उनकी प्रोफाइल तक देखिए.
करेक्ट करेक्ट तो अपने इंडिया में बहुत आपको नॉलेज का जो सीन है ना, हमारे जो कंपनीज है जो हमें सपोर्ट करती है, थैंक टू हिम, बट डायरेक्टली मेरे बहुत सारे स्पॉन्सर है, पर मेरे स्पॉन्सर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उनका जो माइंड सेट हो चुका है इंडिया में, मुझे नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे उनकी दरकार है, बट एक सच्चाई तो मैं बोलूंगा, फॉर माई स्पॉन्सर्स एंड फॉर एवरी मोटर स्पोर्ट, जितने भी लोग मुझको देखते हैं जानते हैं, और टोनी हुए जानते हैं कि वो एक स्टंट राइडर है, तो वो जितने भी मोटर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, या जितने भी लोग मेरे राइट नाउ स्पॉन्सर्स हैं, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ, बी रियलिस्टिक मैन, फॉरेन में सिर्फ काबिलियत को देखा जाता है एथलीट की, एथलीट के फॉलोअर्स को नहीं, तो आप लोग प्लीज फॉलोअर्स फॉलोअर्स मत करिए, फॉलोअर्स मैटर नहीं करता है, काबिलियत मैटर करती है, जब आपका बच्चा, जब आपका एथलीट, जब आपकी कंपनी को जो सपोर्ट करता है वो एथलीट, अगर वो इंटरनेशनल गेम के अंदर, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर रैंक 17 पे आएगा और फॉलोअर्स है उसके 1 मिलियन, तो कब तक आप एक्सेप्ट कर लोगे, कब तक आप एक्सेप्ट कर लोगे, जब फॉलोअर उसके 200 हैं और वो वर्ल्ड चैंपियन है 5 सालों से इंडिया से, फिर आएगा मजा, ये है गेम का सीन। और हमारे जो स्पॉन्सर्स का सीन है, हमारे जो हमें जो सपोर्ट करता है हमारे गेम के अंदर, वैसे तो मुझे पता नहीं और गेम्स का क्या सीन होता है, स्पॉन्सर्स कैसे सपोर्ट करते हैं, बट हमारे सीन, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे हर वे में, अगर सपोर्टिव वे में जाओ, कोई कोई हेल्प कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, सब जगह पे जीरो है, सब जगह पे जीरो, मेरे खुद के स्पॉन्सर तक के लिए मैं भी कहूंगा कि जीरो, क्यों, क्योंकि दे वॉन्ट टू, वो चाहते हैं अपने स्पॉन्सर से फॉलोअर्स, यार आपने उसको स्पॉन्सर क्यों किया, उसकी काबिलियत देखे, अब जो काबिलियत है उस काबिलियत के प्लेटफॉर्म पे उसकी आंकना करो, मतलब उसका जजिंग जजमेंट वहां करो, बट दे जजमेंट ऑन द फॉलोअर्स, तो मैं काफी गलत है, टू बी रियलिस्टिक वे में जो इंडिया का जो भी हमारे मोटरस्पोर्ट्स लेवल का जो कल्चर है ना, वो जीरो है, बट एथलीट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक मौका, सिर्फ एक मौका, जैसे एक दिन का वो पिक्चर आई थी ना नायक, कि एक दिन का प्रधानमंत्री बनेगा क्या, तो ऐसे ही बोलता हूँ मैं इंडिया से, किरण रिजिजू सर से मेरी दरख्वास्त है कि सर एक मौका इंडिया के लिए, या एक मौका जो भी एक स्पोर्ट पर्सन या कोई बहुत बड़ी रैंकिंग पे स्पोर्ट पर्सन बैठा है जो सिर्फ एक दिन के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में ला सकता है, फिर दिखाएगा इंडिया की कौन सा कॉर्नर की एग्जैक्टली, इतनी ताकत है इंडिया के राइडर्स, भाई एक मौका देना, इतनी ताकत, मैं बता रहा हूँ इतनी ताकत और इतना एक्सपीरियंस इंडिया के राइडर्स हैं कि एक दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर्फ एक दिन के लिए इंडिया में कराओ, और फिर देखो कि इंडिया टॉप 10 में अगर नहीं आया तो, टॉप 10 में इंडिया, एक नहीं टॉप 10 में इंडिया नहीं आया तो, INDIA नहीं आया था तो पूरा, स्केटबोर्डर वो उसके अपन वीडियो गेम्स खेलते हैं, आज के बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं टोनी हॉक के, टोनी हॉक इज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी पर्सन, और वो एक स्पोर्ट पर्सन है रिवोल्यूशनरी, कि उसने ऐसा रिवोल्यूशन किया अपनी लाइफ के अंदर कि वो स्केटबोर्डर्स को जब गवर्नमेंट मान्यता नहीं दे रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी, लाइक अ टैबू जो आज हमसे देखती है, हमें देखते तो उनको भी देखा करते थे अमेरिका में न्यूयॉर्क पे, तो उन लोगों ने दे सेट अ मीटिंग बिटवीन एवरीबॉडी एवरी स्केटबोर्डर, और वो लोगों ने एक दिन न्यूयॉर्क सिटी को हाईजैक कर दिया, वो सड़कों पे उतर गए सब सारे स्केटबोर्डर्स, और बिकॉज ऑफ टोनी हॉक आई रिस्पेक्ट हिम पर्सनली एज अ स्पोर्ट पर्सन ऑल्सो, बिकॉज उस बंदे ने उस स्केटबोर्डिंग की इतनी इज्जत कराई कि इंडिया तक में भी स्केट पार्क खुल गए, इंडिया तक में भी राइट नाउ वी हैव इन पुणे ऑल्सो, मुंबई, शायद मुंबई में भी एक स्केट पार्क है जहां पे स्केट बोर्डिंग करते हैं, और हमारे इंडिया में आप मानेंगे नहीं ऐसी जगह पे स्केट पार्क खुल गया कि वहां तक अवेयरनेस का जाना नामुमकिन था, मध्य प्रदेश के ऐसे गांव के अंदर जहां पे अभी वाइस ने 101 ने बहुत सारे यूट्यूब के बड़े बड़े चैनल जो इंटरनल न्यूज दिखाते हैं इंडिया के या कोई भी कंट्री की, तो वहां पे पता लगा कि मध्य प्रदेश में कोई एक ऐसा गांव या एक ऐसा ढानी है जहां पे एक फॉरेनर लड़की कई सालों पहले से आके स्केटबोर्डिंग सिखा रही है यहाँ की लड़कियों को, बस्तियों की लड़कियों को, आदिवासियों को, और वहां पे एक आदिवासी लड़की है जो चैंपियन है, वो उस स्केट, वो स्केट पार्क का पूरा मतलब एक एक कोना जानती है थ्रू हर स्किल्स, वो अपनी स्किल्स से, तो मतलब उस टोनी हॉक के उस रिवोल्यूशनरी कदम से यहाँ इंडिया के गांव ढानी तक में स्केट पार्क खुल गए, तो ऐसा तो मैं इंडिया में कर नहीं सकता कि हम सारे स्टंट राइडर मिलके, क्योंकि फिर पता है क्या होगा, अब भी हम चुपचाप अपने ट्रैक पे जाते हैं कैसे ना कैसे बच के बताते, पूरे दिन भर लोगों की गालियां सुनते, अगर ऐसा कर दिया ना तो फिर तो बिल्कुल ही गैंगस्टर या फिर बिल्कुल ही क्रिमिनली घोषित कर दिए जाएंगे, ये ऐसे ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो वैसे तो बिल्कुल ही मैं उनके उस कदम को सैल्यूट करता हूँ कि उनकी इस कर्म इस इतने बड़े स्टेप की वजह से आज स्केटबोर्डिंग इतने बड़े बूम पे है, इतने बड़े हाईलाइट लेवल पे है, तो ये पॉसिबल हो बिकॉज ऑफ यूनिटी, और शायद इन फ्यूचर अभी जो अब इस साल जो मेरे को देखने को मिला कि सारे राइडर्स कनेक्ट हुए, वो अपना थोड़ा ईगो को कम करके सारे साथ हुए, एंड
होप इन फ्यूचर शायद मैं कभी जिंदगी में आप लोगों के पास वापस लाइव आऊं तो बोल सकूं कि मैम अब बन गया, प्लेटफॉर्म बन गया. सीरियसली किसी यहाँ पे किसी को एक क्वेश्चन पूछना है या श्योर मतलब पूछ सकते हो आप, क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर सकते हो. कोई तो बोल रहा था मतलब कि एक क्वेश्चन है आपके लिए. जी 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 बताइए बताइए, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन. सुष्मिता पूछ रहे हैं आपको कुछ क्वेश्चन है. ओह शी इज माय वाइफ. ओह दैट इज सो क्यूट. आपकी वाइफ के लिए, आपकी वाइफ को आपके लिए क्वेश्चन है. बिल्कुल नोइश, वो तो ऑल टाइम, वो तो वैसे भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन करती रहती क्योंकि वो इस स्पोर्ट के, वो भी बहुत इस स्पोर्ट के लिए बहुत नई है. बट पता है आप, उसने मेरे पैशन को किस लेवल पे सपोर्ट किया. आई एम द वन पर्सन इस चीज में भी कि अगर आप यूट्यूब खोलेंगे और आप उस पर ऐसे लिखेंगे ना बड़ा देसी वे में, दूल्हे के स्टंट, हिंदी में दूल्हे के स्टंट, तो सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा. आई एम वन ऑफ द पर्सन जिसने अपनी शादी के अंदर हाथ पकड़ के स्टेज के ऊपर सर्कल्स मारे थे बाइक के ऊपर. Wow. और वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था वो वीडियो. मैं अभी आपको दिखा सकता था बट एक सेकंड, चलिए अब तो चलते गो थ्रू. बट आप यूट्यूब पे जरूर चेक करिएगा अगर आपको टाइम मिलता है. पक्का पक्का. वो वन ऑफ द मतलब वो मेरे पैशन को समझने का मतलब वो हमेशा क्वेश्चन इसलिए पूछती है उसको समझ भी नहीं आता और वो समझने का बहुत इंटरेस्ट रखती है. तो वो अच्छा है ना, सपोर्टिंग पार्टनर होने की भी उतनी जरूरत है. मतलब आपकी अगर जी है लाइफ में वैसे ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप ऑल टाइम मोटिवेटेड रह सकते हो जब ऐसा पार्टनर हो जो आपसे आपकी गेम के लिए हजारों क्वेश्चन करता है, हजारों. करेक्ट. तो मैं बताते बताते ही पंप आउट हो जाता हूँ कि मेरे जो स्ट्रगल है मेरी जो लाइफ है मैं बता. हाँ यार क्या बात है, दैट्स द डे बिकॉज़ आई नॉट लीव स्टंट राइडिंग. और मेरे को बोलने के लिए भी बात मिल जाती है कि मैं आगे भी न छोड़ पाऊँ किसी भी वजह से, चाहे वजह कोई भी हो. करेक्ट. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई होप आपको बहुत सारा यू नो लक एंड गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू योर फैमिली. नहीं मुझे मत दीजिए, मुझे मत दीजिए, मुझे मत दीजिए, स्टंट राइडिंग को दीजिए प्लीज. स्टंट राइडिंग एग्जैक्टली. आपका जो है कि सेफ स्पोर्ट्स वगैरह वो काफी यू नो मतलब हम भी अगर कुछ कर सकते हैं हमारी तरफ से आप हमें बिल्कुल बोल दीजिए. वी आल्सो विल ट्राई टू यू नो रिकॉग्नाइज. आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म कंडक्ट करते रहिए अपने स्पोर्ट्स के अंदर, हमें भी थोड़ी सी जगह देते रहिएगा. तो हम बस इस चीज के वो है मतलब आभारी रहेंगे आपके. बाकी वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर देते, बाकी से नहीं पूछा नहीं उन्होंने कुछ यहाँ पे. अच्छा, तो उनका आया नहीं है. नहीं और हाँ. किसी का कुछ, और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह. हाँ भाई किसी को स्टंट राइडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद से इंटरेस्ट हूँ बताने के लिए कि क्या है ये स्पोर्ट. Exactly. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कर रहा है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर तो चलते हैं. ओके, किसी के अगर होंगे क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे डाल सकते हो स्टंट राइडिंग के रिलेटेड. अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज यहाँ पे डाल दीजिए. Let's wait, अभी देखते हैं. हाँ देख लेते हैं, बाद 5-10 मिनट रुक जाते हैं. फेस्टिवल कब होगा कोई पूछ रहा है जयपुर में. जयपुर में फेस्टिवल, जयपुर में अभी मार्च में हुआ था, अब इसका राउंड 2 होगा बहुत ही जल्दी. बहुत ही जल्दी होगा, थोड़ा सा बस ये जो ये कोरोना का सीन चल रहा है ये सब खत्म हो जाए और गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि इंसान के हाथ में नहीं है यार ये सब कुछ, गवर्नमेंट के हाथ में. तो गवर्नमेंट लेवल पे जब ये खत्म हो जाएगा राउंड 2 आपके सामने होगा. और वैसे राउंड 2 होगा ये 100% है होगा, बट वो थोड़ा सा ये सारा सिस्टम के हिसाब से होगा कि जो गवर्नमेंट लेवल का जो सिस्टम है, बिकॉज अपनी कहाँ इतनी जल्दी है, गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई राउंड 2 होगा गाइस और बहुत जल्दी होगा जयपुर में. किसी ने पूछा है कैन यू प्लीज रिपीट माय क्वेश्चन टू स्टील टोनी. आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नहीं आया था. आप वापस टाइप कर सकते हो फिर से. कोई पूछ रहा है कि सर व्हाट इज योर फेवरेट बाइक. ऑल बाइक्स आर माय फेवरेट बाइक, दिखाता हूं मैं आपको मेरे पास मेरी बाइक. मैं थोड़ा सा आपको बाहर जाके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी. वो देखिए बाइक्स. हाँ ओ वाओ. और भी है ना, लेफ्ट में खड़ी है दो कुछ बाइक्स, लेफ्ट के अंदर खड़ी है ये स्ट्रेट में जो पार्किंग है ये वो है. वाओ. ओके, उनका क्वेश्चन है कि इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर लुक व्हाट वुड इट बी. यार आयरन मैन का फेस मास्क दे दो. आयरन मैन का फेस मास्क दे दो सुष्मिता. आयरन मैन का फेस मास्क दे दो मुझे जिससे मैं मेरे स्किचेस को छुपा पाऊं. आपके नेक्स्ट बर्थडे पे उनको पता है क्या गिफ्ट देना है. आयरन मैन का फेस मास्क.
वेरी नाइस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट योर जर्नी और रग्मी स्पोर्ट्स शगुन थैंक्स टू यू कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए टू यू नो इंटरव्यू टोनी सर एंड एवरीथिंग थैंक यू वेरी मच बिल्कुल बिल्कुल और मैं सबको ये भी कहना चाहूंगा जो भी इस लाइफ में लास्ट तक बने हैं प्लीज एक इतनी सी छोटी सी दरख्वास्त है एक एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए टू ह्यूमन बीइंग सेव अवर स्पोर्ट एक कैंपेन है जो लेटेस्ट में हम लोगों ने स्टार्ट किया सारे प्रोफेशनल स्टंट राइडर्स ने मिलके हम बहुत कम से हैं यार हम बहुत कम से हैं और हम बहुत कम ने ना कुछ थोड़ा सा स्टार्ट किया तो थोड़े से के लिए अगर इन फ्यूचर आप कोई भी स्टंट राइडर को देखते हैं या आपका कोई फ्रेंड है या आप किसी को कुछ टैग करना चाहते हैं @ सेव अवर स्पोर्ट आप ये प्लीज टैग करिएगा जिससे हमारा कैंपेन थोड़ा बूम पे जाए और लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस हमेशा है जिंदा है और हमेशा चलता है बिकॉज इंडिया में जब तक फेमस नहीं होती है जब तक अवेयर बिकॉज देखो अवेयरनेस क्यों नहीं आ पाती है एक सपोर्ट क्यों नहीं आ पाता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज ए स्पोर्ट में कि क्यों नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ फेमस ना अगर फेमस होता तो ना पुलिस वाले हमें कुछ कहता सचिन रोड पे बल्ले से बॉल से उड़ा के खींच के सीधे कार भी तोड़ देना कार का शीशा कुछ नहीं हुए पुलिस वाला उसको कुछ बोल सकता है नहीं कुछ नहीं और हम अगर मोटरसाइकिल का रेव ज्यादा कर देना तो गली वाले शिकायत कर देते हैं सोनी जी आपका बेटा तेज लेके जा रहा है भाई बताओ यार रिकॉग्निशन ही चाहिए ना मेल हां तो लेट्स मेक स्टंट राइडिंग फेमस होने का सबसे बड़ा वजह सिर्फ यही है और ये चलता रहेगा और इसी के अंदर एक एसओएस कैंपेन है जिसे राइट नाउ सपोर्ट किया जाए गाइस जब भी आप एक स्टंट राइडर को देखें और स्ट्रीट्स पे देखें तो प्लीज मना करिएगा स्ट्रीट्स पे स्टंट राइडिंग जो करता है एक बॉक्सर अगर रोडों पे लड़ने लग जाएगा तो अभी लेटेस्ट एक बॉक्सर की हालत जो भी थी जो भी सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ हिम ई जेल वो एक ऐसा एथलीट था जो वर्ल्ड में इंडिया की तरफ से इकलौता हुआ था अभी तक अभी तक इकलौता हुआ था जैसे क्रिकेट का गॉडफादर इंडिया में बसता है ना सचिन तेंदुलकर वैसे ही अपनी पहलवानी का कुश्ती के अंदर एक ही आदमी था जो इंडिया में बस रहा था और इंडिया के लिए कुछ बड़े चैंपियंस बड़े अवार्ड लेके आ रहा था तो ये सड़कों पे होगा तो आप पुलिस के पास जाओगे और अगर आप भी ऐसा कभी देखें तो वो प्रोफेशनलिज्म नहीं कहलाता है आप भी कभी आप भी मतलब राइट नाउ अगर आपको भी कभी ऐसा देखने को मिले तो इम्प्रेस होने की जगह या समझने की जगह उसको अप्रिशिएट करने की जगह हाथों हाथ ये वो एक क्राइम और डिसरिस्पेक्ट कर रहा है स्पोर्ट का तो वो एक क्राइम में गिना जाता है तो अगर आप एक पिट में करेंगे आप एक दिए गए दायरे में करेंगे स्टंट राइडिंग तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी हमेशा रिस्पेक्ट होगी और शायद ये 17 साल से एक एम को अभी तक कैरी ऑन करने की वजह भी यही है कि हमने इसे तरीके से किया है कायदे में किया प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हुए किया दैट्स व्हाई हम कर पाए जिसके बाद कि हमें पता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है बहुत हार्ड है भाई लोगों को भी ट्राई करना किसी चीज का फ्यूचर नहीं है और उसे फिर भी करते रहना कितना हार्ड होता है इस दुनिया के अंदर या इस जिंदगी खुद की जिंदगी के अंदर तो बस इतनी सी बात है कि प्लीज प्लीज रिस्पेक्ट एंड फॉलो एसओएस कैंपेन एंड थैंक यू रग्मी स्पोर्ट्स एंड थैंक यू टू यू ऑल्सो आपने बताया और थोड़ा मेरे भी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया थैंक यू यस 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 थैंक यू मैं बस एक स्क्रीनशॉट ले रही हूं आपके साथ सबको जो भी आए है ये लाइव पे थैंक्स टू ऑल ऑफ यू थैंक यू टाइम के लिए और ये मतलब आई थिंक काफी बढ़िया था आपका इंटरव्यू जो आपने चीजें बोली है आई होप बहुत लोग मोटिवेट हो गए हैं एंड एवरीबडी विल गो ऑन द राइट ट्रैक एंड ऑफकोर्स आपका जो कैंपेन है हमारा 100% सपोर्ट है आपके लिए नहीं थैंक्स टू बस मैं इतना चाहता हूँ कि यू मतलब जो अभी का राइट नाउ लाइफ का लास्ट एंड है ना मैं इतना कहना चाहता हूँ अप्रिशिएशन की जरूरत नहीं है मोटिवेशन की जरूरत नहीं है हमें अडेप्टेशन की जरूरत है हमारे स्पोर्ट को स्पोर्ट मानो और अडेप्ट करो डोंट मोटिवेट जरूरत ही नहीं है इतने मोटिवेटेड है ना कि आने दो वर्ल्ड चैंपियंस को भी आने दो राइट नाउ तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आप लोग भी मोटिवेट मत हो अगर आप हो भी रहे हो तो सिर्फ अडेप्ट करो क्योंकि आप अप्रिशिएट करोगे मुझे पता है इस लाइफ के बाद आप मुझे मैसेज करोगे वाओ बाबा क्या लाइफ था वाओ टोनी भाई क्या लाइफ था नहीं अपने पेरेंट्स को दिखाना यार प्लीज इतनी सी दरख्वास्त कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी जिसके भी मम्मी पापा हैं जो भी मम्मी पापा हैं प्लीज आप लोग समझो यार आप सोसाइटी समझेगी ना तब पुलिस वालों को कंप्लेन नहीं होगी सोसाइटी का समझना जरूरी है करेक्ट करेक्ट काफी बढ़िया ऑलराइट थैंक यू वेरी मच आई होप कि हम वापस मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं पे और आप हमें वापस बताएंगे कि आपका स्पोर्ट्स इतना सक्सेसफुल हो गया है विश यू ऑल द बेस्ट Thank you. And thank you very much. Thank you. Good night. Bye.